हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चलिए शुरू करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स से तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स और जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो कि इस ट्रैक्टर के अंदर अभी इसकी इंडस्ट्री में ट्रैक्टर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ अंडर प्रोसेस है कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है तो बेसिकली ये जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और जब कोई भी कॉमोडिटी अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है इट मीन्स इट इज़ नॉट रेडी टू यूज बाई दर फाइनल यूजर्स अब ये फाइनल यूजर्स के थ्रू यूज़ करने के लिए क्यों रेडी नहीं है क्योंकि एक तो ये अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है दूसरा इसमें अभी जो वैल्यू एडिशन का प्रोसेस है जो प्रॉफिट एडिशन का प्रोसेस है वो चल रहा है इंटरमीडिएट गुड्स पर होने वाले खर्चे को हम इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं और जैसा कि हमें पता है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट या जो भी एक प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट ऐड करता है जो भी वैल्यू एडिशन होता है वो वैल्यू एडिशन हमें फाइनल कॉमोडिटी के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता है जब वो फाइनल कॉमोडिटी के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता ही है तो इंटरमीडिएट गुड्स पर होने वाला कोई भी खर्चा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट है फाइनल गुड्स बेसिकली फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के जस्ट अपोजिट होते हैं यहाँ पर ये कॉमोडिटीज़ जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है लाइक जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्रॉस कर चुके होते हैं एंड नाउ दे आर रेडी टू यूज बाई देर फाइनल यूजर्स ये रेडी टू यूज होते हैं क्योंकि इनमें अब कोई भी वैल्यू एडिशन या प्रॉफिट एडिशन का प्रोसेस नहीं होता है और अब ये फाइनली एक कंज्यूमर के पास चले जाते हैं कंज्यूमर इन पर फाइनल एक्सपेंडिचर करता है या वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है वो इन पर फाइनल एक्सपेंडिचर करता है उसको अब ये रीसेल नहीं करनी है जैसे एक प्रोड्यूसर एक मशीन अपनी फैक्ट्री में यूज़ कर करने के लिए जब वो खरीदता है तो वो उसको रीसेल नहीं करता हम लोग अपने घर में जो फ़ैन यूज़ करते हैं या कोई भी कॉमोडिटी यूज करते हैं उसको रीसेल के पर्पस से यूज़ नहीं करते हैं तब तक वो फाइनल गुड है और इस तरह के जो फाइनल गुड्स होते हैं इन पर होने वाला एक्सपेंडिचर उसको हम बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर ठीक है फाइनल एक्सपेंडिचर बेसिकली फाइनल प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी हो सकता है क्योंकि ये एक्सपेंडिचर फाइनल है तो हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं ओके स्टूडेंट्स आई होप इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेज फाइनल गुड्स आपको क्लियर हो गया होगा तो ये फोर पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं इनको लर्न कर लेना थैंक यू